सो न्यूक्लियर रोटेशन मोशन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आपके पास जो एक हाँ जी बेटा, सो ऑन द स्क्रीन आपके पास अवेलेबल है बेटा, जिस वाली डायग्राम हमें पहले भी पढ़ी हुई है, पहले भी देखी है लास्ट लेक्चर में, यहाँ पे हमारे पास दोबारा हम इसको रीड कर रहे हैं बिकॉज आज का लेक्चर करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास ओमेगा कैसा है या के क्वांटम नंबर कैसा है। तो आपके पास ऑन स्क्रीन अवेलेबल है ये आपके 1 2 3 जो एक्सिस बना रखी है बेटा, ये 1 2 एंड 3 जो एक्सिस है दीज आर बॉडी फिक्स्ड फ्रेम एक्सिस जिसके विद रिस्पेक्ट टू आपका न्यूक्लियस सिमेट्रिक रहेगा, एक्सियल सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स, एंड उसके बाद जो एक्स वाई जेड है वो आपका लेबोरेटरी फ्रेम है। तो इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा पूरे का पूरे लेक्चर में। तो हमारे पास जो ओमेगा है ये आपका क्या रहेगा, जो के इज इक्वल टू ओमेगा उस केस में हमारे पास क्या रहेगा, इट बी द प्रोजेक्शन ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑन टू द सिमेट्री एक्सिस। यस ये वाला है, इसको आप चेक भी कर सकते हैं, इस वाले में क्लियर हो जाएगा ये टोटल एंगुलर मोमेंटम है फॉर द केस ऑफ रोटर एज वेल एज पार्टिकल। उस केस में जो टोटल एंगुलर मोमेंटम रहेगा जब उसको सिमेट्री एक्सिस जो थर्ड एक्सिस है उस पे आप प्रोजेक्ट करवाएंगे उसको हम के क्वांटम नंबर बोलेंगे, या फिर जितने भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेलेस न्यूक्लियर होंगे या उसका रोटर होगा सबके जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सबको सम कर देगी, तो आपके पास कैपिटल के आपके पास आ जाना चाहिए, दैट इज दी प्रोजेक्शन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए बेटा। तो ये वाला पार्ट हम पहले भी कर चुके हैं। तो हमारे पास जो हैमिल्टोनियन रहेगा दैट विल बी एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2 टाउ इनटू I² रहेगा, ये आपके पास इवन इवन न्यूक्लियस के लिए मोस्टली एग्जिस्ट करेगा। वहां पे क्या होगा, इवन इवन न्यूक्लियस के लिए आपके पास रोटर ही एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज आपके पास वैलेंस न्यूक्लियन जो होंगे वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे, ऑल द न्यूक्लियंस विल बी पेयर्ड, उस केस में I into I+1 के रिगार्डिंग आपके पास रोटेशनल स्पेक्ट्रा यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो हमने भी अभी पढ़ा है कि रोटेशनल मोशन में क्या होगा, आपका आपका न्यूक्लियस जो है रोटेट करेगा, न्यूक्लियस रोटेट करेगा तो आपके पास क्या आएगा, आपकी जो बॉडी फिक्स्ड फ्रेम है दैट विल बी रोटेटिंग विद रिस्पेक्ट टू द लेबोरेटरी फ्रेम। उस चक्कर में क्या होगा कि आपके पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपका रोटेट करेगा, एंड वहां पे जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी दैट विल बी विद रिस्पेक्ट टू द डी फंक्शंस और डी मैट्रिसेस। तो डी मैट्रिसेस आपको पहले ही पता है, इसको हम किसके साथ रिलेट करते हैं, स्फेरिकल हार्मोनिक्स के साथ। तो आपके पास जो न्यूक्लियस है जब रोटेट करेगा उसको हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ डी मैट्रिसेस और स्फेरिकल हार्मोनिक्स। तो आपका जो न्यूक्लियस है जब रोटेट करेगा तो स्फेरिकल हार्मोनिक्स विल बी ट्रांसफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द डी मैट्रिसेस, बिकॉज आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम भी ट्रांसफॉर्म होगा जब न्यूक्लियस रोटेट करेगा, तो आपके उसके उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशंस देनी पड़ेगी कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट। सो ओनली सरफेस स्क्रैचिंग है बेटा, ज्यादा लिटरेचर में डिटेल में नहीं जा रहा, अदरवाइज कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ये सारे का सारा लिटरेचर बेटा रॉयड निगम है, मोस्टली 260 पेज नंबर होगा वहां से स्टार्ट हो रहा है, तो दो पेज इधर हो सकते हैं या उधर हो सकते हैं, वहां से आप चेक कर लीजिएगा, मोस्टली 260 के अराउंड पेज नंबर है बुक का, तो सारा के सारा लिटरेचर वहीं से ले रखा है। तो रोटेशनल डी मैट्रिसेस जो होती है वो आपका कौन से ये वाले रूल सेटिस्फाई करती है, तो आई स्क्वायर जब ऑपरेट करेगा डी मैट्रिसेस के ऊपर तो I into I+1 आ जाएगा। तो जब मैंने बताया था कि आपके पास जो हैमिल्टोनियन होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग H क्रॉस स्क्वायर बाय 2 tau into I² लिखा हुआ था, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी आई के वैल्यूज आएंगी तो I into I+1 के रिगार्डिंग आएंगे रादर देन I² ठीक। तो जो थर्ड कंपोनेंट होगा I3 वहां पे आपके पास K आ जाएगा बेटा। तो आपके पास जो वेव फंक्शन रहेगा इस केस में, वेव फंक्शन के रिगार्डिंग हमारे पास 3 पैरामीटर होने चाहिए, टोटल एंगुलर मोमेंटम, थर्ड क्वांटम नंबर जेड क्वांटम नंबर यू कैन से, एंड उसका प्रोजेक्शन क्वांटम नंबर ऑन टू द सिमेट्री एक्सिस। सो आई को जब आप सिमेट्री एक्सिस में प्रोजेक्ट करते हो तो के क्वांटम नंबर आपके पास आ जाता है, एंड आई का जेड एक्सिस पे जो क्वांटम नंबर रहता है दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैपिटल है यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके रिगार्डिंग एज सच जो आपके पास वेव फंक्शन की वैल्यू आएगी कॉरेस्पॉन्डिंग टू डी मैट्रिसेस जब आप ट्रांसफॉर्म करेंगे उसके रिगार्डिंग आपके पास यहाँ पे एक स्टैंडर्ड वैल्यू एक्सप्लेन होगी, तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन यहाँ पे लिखा रहेगा। सो आइगन वैल्यूज कैसी आएंगी, आइगन वैल्यूज मैंने पहले ही बता दिया बेटा,
आइगन वैल्यूज आपके पास एच क्रॉस स्क्वायर बाय टू टाओ इनटू आई स्क्वायर रहेगा। आई स्क्वायर के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, उसके तीन कंपोनेंट रहेंगे, एक के वन होगा, के टू होगा या के थ्री होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग माइनस के स्क्वायर लिखा हुआ है एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास ये वैल्यू यहाँ पे फिल आउट की हुई है। तो ये टाओ वन एंड टाओ टू के रिगार्डिंग है, ये हमने पहले भी बात कर रखी है। सो दी वेव फंक्शन फॉर इवन इवन न्यूक्लियाई, सो अगर आपके पास इवन इवन न्यूक्लियाई होगा उस केस में क्या रहेगा कि आपके पास जहां पे आप सिमेट्री एक्सिस एग्जिस्ट कर रही है, अगर एक्सियल सिमेट्री है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपका जो कैपिटल के क्वांटम नंबर होगा, प्रोजेक्शन क्वांटम नंबर है, दैट विल टर्न आउट टू बी जीरो, बिकॉज एक्सियल सिमेट्री के केस में आपका न्यूक्लियस जो है सिमेट्री एक्सिस के रिगार्डिंग रोटेट नहीं करेगा। अगर जो आपकी सिमेट्री एक्सिस है जस्ट लाइक स्फीयर, अगर स्फीयर को किसी भी एक्सिस पे रोटेट करेंगे तो आपके पास उसका रोटेशनल स्पेक्ट्रम नहीं बनेगा, बिकॉज ऑल द एक्सिस आर आइडेंटिकल। तो सिमेट्री एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग के शुड बी इक्वल टू जीरो, तो उसके केस में आपके पास रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं आएगा। ये आपको दो नंबर में पूछा जा सकता है, व्हाट शुड बी द स्पेक्ट्रम ऑफ न्यूक्लियाई कॉरेस्पॉन्डिंग टू द रोटेशन अबाउट सिमेट्री एक्सिस, तो उसके केस में बता रहा है कि आपका प्रोजेक्शन क्वांटम नंबर जो है कैपिटल के, दैट विल टर्न आउट टू बी जीरो एंड उसके केस में आपके पास रोटेशनल स्पेक्ट्रम नहीं आएगा। उसका जो वेव फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं बेटा, ज्यादा डिटेल नहीं है इसमें, फिजिकल सिग्निफिकेंस वाला ऐसा कुछ नहीं है, वो उसको आप ऐसा चूज कर सकते हैं। तो जो मैंने बताया था बेटा आपके इवन इवन न्यूक्लियस के केस में वैलेंस पार्टिकल नहीं होंगे, ओनली आपके पास आई स्क्वायर का फंडा होगा। आई स्क्वायर को अगर डी मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेट करवाएंगे तो क्या आएगा, आई इंटू आई प्लस वन आएगा, तो आपके पास जो स्पेक्ट्रम होगा दैट विल बी इवनली डिस्प्लेस्ड। तो आपके पास जैसे बुकिंग बुक नोट्स के ऊपर लाइन बनी हुई है वैसे ही आपके पास स्पेक्ट्रम आएगा, जीरो प्लस टू प्लस फोर प्लस एंड सो ऑन, ठीक है जी। उसके बाद ये थोड़े थोड़े सिमेट्री ऑपरेशंस दे रखे हैं, अगर आपके पास कोई स्फीयरॉइड शेप है तो दैट शुड बी इनवेरिएंट अबाउट पाई रोटेशन। उसमें क्या करने वाला है कि अगर आपके पास कोई स्फीयर है, कोई स्फीयरॉइड दे रखी है जो एग्जैक्टली स्फीयर नहीं है, अगर इट इज जस्ट ए स्फीयरॉइड देन इट शुड बी सिमेट्रिक अबाउट रोटेशन बाय 180 डिग्री। सो अगर तो आपके पास अगर उसको 180 डिग्री पे स्फीयरॉइड को आप रोटेट कर देंगे तो उसके केस में वो इनवेरिएंट रहनी चाहिए उसकी शेप जो है। तो उसके केस में लिखा हुआ है कि रोटेशन अराउंड द फर्स्ट बॉडी फिक्स्ड एक्सिस एंड इट्स रोटेशन बाय 180 डिग्री देन इट विल बी गिवन बाय थीटा पाई एंड साई। जो थर्ड एक्सिस है थर्ड एक्सिस शुड बी इनवेरिएंट एंड अगर फर्स्ट एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू रोटेट करेंगे तो थीटा एंड पाई ऑटोमेटिकली चेंज कर जाएंगे, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन है ओनली, ज्यादा डिटेल नहीं है दे रखी बेटा, इसको आपको विजुअलाइज ही करना पड़ेगा, ऐसा इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। The such invariance requires that normalized wave function should be written like this. तो सारे का सारा बेटा MK Paul का material है, इसमें आज से आप इसको थोड़ा थोड़ा surface scratching कर रखी है, कहीं से कुछ लिया हुआ है, कहीं कहीं से कुछ लिया हुआ है। तो साई एम के आई जो आपके पास आएगा corresponding to rotation by 180 degree around the body fixed axis that is number one, उसके corresponding जो result आएगा wave function का वो ऐसा लिखा रहेगा। तो उसके डी मैट्रिक्स के रिगार्डिंग आपकी प्रॉपर्टीज जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस की हुई है, ठीक है बेटा। सो अगर आपका जो वेव फंक्शन है, हमने बोला है कि हमारा जो वेव फंक्शन है दैट शुड बी इनवेरिएंट अबाउट द सिमेट्री एक्सिस, आर वेव फंक्शन शुड बी इनवेरिएंट अबाउट कॉरेस्पॉन्डिंग टू रोटेशन बाय 180 डिग्री, बिकॉज स्फेरॉइड है वो 180 डिग्री के विद रिस्पेक्ट टू आपके पास क्या आएगा, इनवेरिएंट ही रहेगा, कोई फर्क नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका स्पेक्ट्रम ही बिगड़ जाएगा। तो उस केस में क्या रहना चाहिए, अगर R1 रोटेशन जो है दैट इज रोटेशन बाय 180 डिग्री अबाउट द फर्स्ट एक्सिस देन इट्स वेव फंक्शन शुड बी इनवेरिएंट, तो ये वाला फंडा यहाँ पे लिखा हुआ बेटा। एंड R1 स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे पॉलीमर्सिस की प्रॉपर्टीज होती है तो सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सिमिलरली यहाँ पे R1 स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है। It proves that the wave function remains invariant under R1 notation. So, ज़्यादा कुछ है नहीं बचा इसमें।
आप चेक करके देख लीजिए बेटा, आपके पास इवन इवन न्यूक्लियस के लिए हमेशा 0+2+4+8 आपके पास रिजल्ट ऐसे ही आते हैं, रादर देन यहाँ पे आई इक्वल मोमेंटम स्टेट आई इज इक्वल टू 1 आई इज इक्वल टू 3 यहाँ पे नहीं एग्जिस्ट करेगी, वो आपके थंब रूल्स होते हैं। या आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि आपके पास एम स्कीम होती है, एम स्कीम में आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैंने नोट्स में दे रखा है, एक बार शायद मेरा यूट्यूब लेक्चर भी है एम स्कीम के ऊपर, वहां पे आप देख सकते हैं, ज्यादा डिटेल नहीं है। अगर आपके पास अदर देन दिस इफ देयर इज एनी अदर डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर आपके पास कोई और डिग्री ऑफ फ्रीडम है या और कोई फिनोमेना इंट्रोड्यूस हो रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग टू रोटेशन, उसको हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, वी आर डिनोटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू साई, तो उसको हम साई के साथ लिख सकते हैं। अगर कोई और इंट्रोडक्शन होती है कॉरेस्पॉन्डिंग टू रोटेशन तो अदर देन दी डी मैट्रिसेस, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं काई के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो काई को यहाँ पे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। सो इफ देयर इज एनी एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एसोसिएटेड विद द रोटेशनल मोशन देन द वेव फंक्शन कैन बी रिटन लाइक दिस थिंग। ठीक है बेटा, सो ज्यादा कोई डिटेल नहीं है, सिंपल सिंपल ही है। उसके बाद आ जाता है रोटेशनल स्पेक्ट्रम एंड वेव फंक्शन फॉर द ऑड इवन न्यूक्लियस। तो अभी तक हमने जो भी किया दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू द इवन इवन न्यूक्लियस। इसके बाद हम करेंगे कि आपके पास अगर पार्टिकल कोर के साथ एक वैलेंस न्यूक्लियन एग्जिस्ट कर रहा है, सो वी हैव ए वैलेंस न्यूक्लियन कपल टू दी कोर, सो कोर आपके पास रहेगी दैट मे बी स्फेरिकल मे बी मे नॉट बी स्फेरिकल, उसके विद रिस्पेक्ट टू आपके पास एक वैलेंस न्यूक्लियन होगा जो आउटसाइड दी कोर मूव करेगा। सो वी हैव ए लूज वैलेंस न्यूक्लियन अनपेयर्ड न्यूक्लियन मूविंग आउटसाइड दी कोर, तो उसके केस में उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, इसको स्मॉल जे के साथ लिखा हुआ है। एंड हमने मान के चला हुआ है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज सिमेट्रिक अबाउट द बॉडी फिक्स्ड एक्सिस दैट इज थर्ड एक्सिस, तो हमारे पास न्यूक्लियस की सिमेट्री जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रोटर है, एंड उसके बाद हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसमें वैलेंस न्यूक्लियन मूव कर रहा है, जो मैंने आपको बुक वाले नोट्स दिखाए थे उसमें ये वाली चीज क्लियर हो जाती है। एंड उसके केस में क्या रहेगा, हमारे पास सिमेट्री एक्सिस एग्जिस्ट कर रही है, देन द कंपोनेंट J3 ऑफ J शुड बी कांस्टेंट ऑफ मोशन, एंड तो इस केस में हमारे पास क्या रहेगा, J3 कंपोनेंट जो होगा टोटल एंगुलर मोमेंटम का उसके ऑफ द बैलेंस न्यूक्लियर इट शुड बी ए कांस्टेंट ऑफ मोशन, तो इसमें कांस्टेंट ऑफ रहना चाहिए, मतलब कांस्टेंट ऑफ मोशन का मतलब होता है इसकी एक डेफिनेट वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए J3 की। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ मोशन हो गया या गुड क्वांटम नंबर हो गया, इनका मतलब सिर्फ इतना होता है इनकी डेफिनेट वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, इनको आप थ्योरेटिकल मॉडल में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इनको वेव फंक्शन में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है जी, सो इफ आर इज द एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड विद द रोटेशन ऑफ द कोर, तो हम यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएंगे, ओनली फाइनल एक्सप्रेशन कंसिडर करते हैं। सो आई इज इक्वल टू आर प्लस जे, तो मैंने पहले ही बताया था अगर आपके पास कोर के साथ एक वैलेंस न्यूक्लियर कपल होके आ रहा है तो उस केस में हमारे पास क्या रहेगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू आर, जो मैंने बुक नोट दिखाए थे वहां पे जाइए थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए, वहां पे हमारे पास क्या था, जो कोर का एंगुलर मोमेंटम था उसके साथ हम कपल करेंगे वैलेंस न्यूक्लियन का एंगुलर मोमेंटम, सो दिस वाज टू गिव राइज टू टोटल एंगुलर मोमेंटम, तो ये वेक्टर एडिशन है बेटा जहां पे हमने डायग्रामेटिकली की हुई है, तो इसको हम ऑन द सिमेट्री एक्सिस प्रोजेक्ट करवाते थे तो क्या आता था, कैपिटल के क्वांटम नंबर आता था। ठीक है, सो के क्वांटम नंबर यहीं से इवॉल्व हो जाता है, तो टोटल हैमिल्टोनियन क्या रहेगा बेटा, यहाँ पे पहले तो आपके पास ओनली रोटर वाला होता था, अब आपने क्या करना है, आपके पास जो टोटल हैमिल्टोनियन होगा इट विल बी हैविंग थ्री कंट्रीब्यूशंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू रोटेशन ऑफ द कोर, जैसे कोर होगा इवन इवन न्यूक्लियस के लिए, उसके बाद हमारे पास एक वैलेंस न्यूक्लियन होगा दैट विल बी एच ऑफ पार्टिकल, एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्टिकल कोर के साथ कपल्ड है या नहीं है, उसके विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास एक पोटेंशियल आएगा, दिस इज नॉट ए पोटेंशियल एग्जैक्टली, ये हमारे पास कपलिंग को रिप्रेजेंट करेगा, इसको कपलिंग भी बोल देते हैं, एच कपलिंग, इसको एच कपल भी बोलते हैं कई बार, वेयर एच रोटेशन इज द हैमिल्टोनियन ऑफ द इवन इवन कोर रोटेटर, इसको रोटेटर भी बोल देते हैं बेटा, मोस्टली रोटर बोलते हैं। सो इट इज, इसको मैं जो वी एफ आर, इसको इंटरेक्शन पोटेंशियल बिटवीन द रोटर एंड अनपेयर्ड पार्टिकल या एच ऑफ कपलर बोलते हैं। सो रोटेटर रोटर जो है हमारे पास एच रोटर की कंट्रीब्यूशन सिमिलरली दे रखी है,
बिकॉज इट इज ए रोटर, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा बेटा, आई स्क्वायर जो है यहाँ पे आर स्क्वायर आएगा, सो एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2 टाउ इनटू आर स्क्वायर। आपके पास तीन एक्सिस हैं, तीनों एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू आपके पास एंगुलर मोमेंटम आएगा, R1, R2 एंड R3। आप इसके बीच में क्या लिख सकते हैं, आप इसको जनरलाइज करके सीधा सीधा लिख सकते हैं कि टोटल एंगुलर मोमेंटम से अगर आप पार्टिकल का वैलेंस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम माइनस कर दे तो आपके पास रोटर ही बचेगा, मतलब टोटल न्यूक्लियस से वैलेंस न्यूक्लियस निकाल दीजिए तो रोटर ही बचेगा। तो सीधा सीधा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन से सीधा लास्ट पे आ जाइए तो आपके लिए काम आसान रहेगा, बीच में मत जाइए। इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया है, एच नॉट लिखा हुआ है, एच रोटर लिखा हुआ है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एच कपलर लिखा हुआ है, एम के पॉल में ज्यादा बेटर दे रखा, सॉरी नॉट एम के पॉल, रॉय अर्निगम की बुक में दे रखा है, यहाँ पे गलतियां की हुई है नोट्स में बेटा। तो आपके पास जो वेव फंक्शन है विद एक्स्ट्रा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो टोटल आपके पास वेव फंक्शन फॉर द केस ऑफ वेल ऑड पार्टिकल, तो आपके पास ऐसा वेव फंक्शन रहेगा बेटा, बिकॉज ऑफ एक्सियल सिमेट्री आपके अबाउट डिफाइंड वेव फंक्शन शुड बी इनवेरिएंट विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन ऑफ द बॉडी फिक्स्ड फ्रेम अबाउट द सिमेट्री एक्सिस। तो अगर आप सिमेट्री एक्सिस के रिगार्डिंग इसको रोटेट करेंगे तो आपके पास वेव फंक्शन इनवेरिएंट ही रहेगा। तो यहाँ पे थर्ड एक्सिस है, बिकॉज हमने थर्ड एक्सिस को चूज किया है, यहाँ पे R3 है, तो वेव फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग अल्फा से रोटेट करेंगे तो वेव फंक्शन आपके पास इनवेरिएंट रहना चाहिए, सो दैट R3 अगर आपके पास मैट्रिक्स पे ऊपर ऑपरेट करता है तो इनवेरिएंट, अगर R3 काई के ऊपर ऑपरेट करता है तो भी इनवेरिएंट। ठीक है जी, देयरफॉर इनवेरियंस क्या होगी, अगर R3 वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करेगा तो इनवेरियंट रहना चाहिए। पहले यहाँ पे I लिखते हैं, हम यहाँ पे क्या है प्रोजेक्शन करवा दी है, प्रोजेक्शन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हुआ है, बिकॉज ओमेगा जो है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ओमेगा शुड बी इक्वल टू के बराबर यहाँ पे रहेगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमारे पास दो चीजें आ जाएगी, अगर आपके पास टोटल एंगल टोटल प्रोजेक्शन क्वांटम नंबर जो है वो ओमेगा के बराबर है तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन जो है इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, वेयर द टर्म एक्स सेपरेटली ऑन दी जे कंपोनेंट ऑफ काई। ये विजुअलाइजेशन वाला कंसेप्ट है बेटा, यहाँ पे क्लियर नहीं होगा, कहीं और से देखना पड़ेगा। अगर आपके पास k इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा तो उस केस में हमारे पास क्या रहेगा, ओनली सर्टेन वैल्यू ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम आई ऑफ द न्यूक्लियस आर अलाउड। तो इस केस में आपके पास ऑड पार्टिकल, अगर आपके पास टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑड पार्टिकल का जो है इवन है तो टोटल न्यूक्लियस का भी इवन रहेगा, अगर ऑड है तो ऑड ही रहेगा। तो इस केस में ऐसे पढ़ लिया बेटा, सो एनर्जी आइगन वैल्यूज ऑफ द ऑड न्यूक्लियस, तो एनर्जी आइगन वैल्यूज कैसी रहेंगी, एनर्जी आइगन वैल्यूज देखने के लिए आपको दो चीजें चेक करनी पड़ेगी कि आपके पास पार्टिकल की कपलिंग कैसी है, वेदर द कपलर पार्ट इज जीरो और नॉन जीरो। व्हेन वी कंसीडर पार्टिकल रोटेशनल हैमिल्टोनियन, अब तो आपके उस केस में क्या होगा, इन दिस केस वैल्यू ऑफ द एच कपलर इज इक्वल टू जीरो, तो कपलर का पार्ट जीरो हो गया तो उस केस में क्या रहेगा, पार्टिकल इज ज्यूम्ड टू बी टाइटली बाउंड टू द रोटेटर, मतलब जो कपलर वाला पार्ट है वो जीरो हो गया, उस केस में क्या रहेगा, हमें कपलिंग टर्म की जरूरत नहीं है तो आपके पास पार्टिकल ओनली रोटर का ही पार्ट आ जाता है। एनर्जी आइगन वैल्यूज इज वेरी लार्जली ओके, एनर्जी सेपरेशन इज वेरी लार्ज कंपेयर टू दी रोटेशनल एनर्जी दैट इज एच रोटर, हेंस दी एनर्जी आइगन वैल्यूज फॉर दी हैमिल्टोनियन कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। तो इस केस में आपके पास ऐसी एनर्जी वैल्यूज आ जाएगी अगर पार्टिकल कोर का ही पार्ट होगा तो। उसके बाद आ जाता है डी कपलिंग पैरामीटर, एक छोटा सा आर्टिकल है 2 नंबर का, कई बार पूछ लिया जाता है बेटा आपको कि डी कपलिंग पैरामीटर के ऊपर 2 नंबर का नोट लिखिए। सो मोस्टली के की वैल्यू जो होती है डी कपलिंग पैरामीटर में क्या लिखा जाता है, के इज इक्वल टू 1/2। तो इस केस में क्या रहेगा, न्यूक्लियर वेव फंक्शन कंटेन्स बोथ दी प्लस माइनस के, बिकॉज प्रोजेक्शन क्वांटम नंबर है आपको के प्लस माइनस के आपके देखने के लिए मिलेंगे। So as a result, there is considerable modification in the energy spectrum due to the inclusion of the H coupled. तो इस केस में क्या रहेगा? अगर पार्टिकल लूजली कपल्ड रहेगा, अगर आपका पार्टिकल लूजली कपल्ड रहेगा, तो उस केस में क्या आएगा? Under this condition, the eigen value of the odd nuclei can be obtained using the eigen function as given in this question. Sorry.
तो इस केस में आपके पास जो रिजल्ट रहेंगे वो इस अकॉर्डिंग आएंगे। तो इसमें एक पैरामीटर आएगा, दैट इज पैरामीटर ए, ये वाला आपके पास दे रखा है बेटा, जो वेव फंक्शन जो एनर्जी आइगन वैल्यूज है, अगर पार्टिकल लूजली कपल्ड रहेगा, इसमें समझने वाला ऐसा कुछ नहीं है बेटा। इसमें एक पैरामीटर है विच विल डिफाइन वेदर द पार्टिकल इज कपल्ड टू द कोर और इट इज लूजली बाउंड। तो इसमें सर इतना ही कंसेप्ट है, फिर ए इज कॉल्ड द डीकपलिंग पैरामीटर एज इट कॉरेस्पॉन्ड टू पार्शियल डीकपलिंग ऑफ द पार्टिकल मोशन फ्रॉम द रोटर। मतलब जो पार्टिकल है वो रोटर से दूर ही रहेगा एंड इट विल बिहेव इंडिपेंडेंटली। ठीक है बेटा। फॉर हैवी एलिमेंट्स, अगर आपके पास एलिमेंट्स जो हैवी है उस केस में के इज इक्वल टू 1/2 के लिए एज की एक ही वैल्यू क्या रहेगी, -1 एंड +1 के बीच में रहेगी। ए जो पैरामीटर है वो थ्योरेटिकल पैरामीटर है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड फॉर लाइट न्यूक्लियाई, जिसको आप एडजस्ट करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टू द वेरियस मास रीजंस, तो फॉर केस ऑफ लाइट न्यूक्लियाई, अगर लाइट न्यूक्लियस है तो ए कैन हैज बीन फाउंड टू हैव लार्ज वैल्यूज। ए की वैल्यूज जो होगी वो रीजन डिपेंडेंट होगी, मास के ऊपर डिपेंड करेंगी, ठीक है। सो आज हम यहीं तक रखते हैं बेटा। सो आज का जो मेन पोर्शन था वो सारे का सारा थ्योरेटिकल पार्ट था, इसमें विजुलाइजेशन वाला काम ज्यादा था एज कम्पेयर टू अंडरस्टैंडिंग। इसमें थोड़ा सा पार्ट आपको क्रैम भी करना पड़ सकता है कॉरेस्पॉन्डिंग टू योर वेव फंक्शंस, बिकॉज उसमें क्या है, उसमें जो कुछ 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 पोर्शन छोड़ के वेव फंक्शंस लिखे हुए हैं, कहीं R1 का इंफॉर्मेशन है, कहीं R3 का इंफॉर्मेशन है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट आपने ये वाला आर्टिकल एज सच ही मोस्टली रिमेम्बर रख के इसको यूज करना है। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि आपके पास डीकपलिंग पैरामीटर के ऊपर नोट लिख दीजिए, तो आप मोस्टली यही वाला पार्ट लिखेंगे जितना यहाँ पे दे रखा है। तो इसमें रॉयड निगम की बुक में भी इतना ही पार्ट है बेटा, ठीक है। रॉयड निगम में जितना पार्ट दे रखा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी आप हैंडल कर सकते हैं बेटा, ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो बताइए बेटा। सो ये वाला पार्ट आज का थोड़ा सा ऐसे ही था।